राइजिंग पाकिस्तान की इस खसूसी नशस्त में आज मोहतरम शरीफ आवान साहब हमारा साथ दे रहे हैं, जो कि जो क्लासिकी मौसीकी है, कल्चर है, उसके रिवाइवल के हवाले से बहुत सा काम करते चले आए हैं, साल हर साल खुद गाते भी हैं। और ये बड़े सगीर पाक व हिंद जब इकट्ठा था, जब इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे थे, उस वक्त हम देखते हैं कि क्लासिकी मौसीकी के हवाले से बहुत सा काम हुआ। जब 1947 में पाकिस्तान अलहदा हो गया, इंडिया अलहदा हो गया, तो वहाँ पर भी इसमें बहुत काम होता है, पाकिस्तान में बहुत काम होता है, लेकिन बहुत कम हमें लोग ऐसे फातिमा मिलते हैं कि जिनको इक्वली रिस्पेक्ट किया जाता हो, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, और जहाँ जहाँ भी हमारी क्लासिकी मौसीकी समझी जाती है, सुनी जाती है। और मोहतरम शरीफ आवान साहब का नाम इन्हीं अहबाब में से, इन्हीं दोस्तों, इन्हीं असातिज़ा में से है, मैं तो कहूँगा, और हमारे लिए खुशबख्ती है कि आप तशरीफ लाए। आदाब, गुड मॉर्निंग सर। बहुत शुक्रिया। अभी ये जो हमारा PTV है, जो कि हम सब का घर है, यहाँ पे हम वो बचपन में राग रंग देखा करते थे, है ना? पता नहीं जुमेरात की रात आता था या हफ्ते की रात आता था, ये अब कंट्रोल रूम मुझे बताएगा। वो लेट नाइट एक प्रोग्राम होता था और फिर वो खत्म हो गया। आपने उसका भी रिवाइवल किया है अभी PTV कराची से, जरा उसकी कहानी सुनाइए। देखिए, वो हमारी नस्ल तो वही है जो कि राग रंग को सुन के हमें इस तरह का जौक पैदा हुआ। और ये मुझे तो नहीं, रेडियो अपना पाकिस्तान टेलीविजन को ही क्रेडिट जाता है, और रेडियो पाकिस्तान को भी, और रेडियो पाकिस्तान को भी के। और ये जो थोड़ी सी रिवाइवल हुई और उसी नाम से हो रही है, और हमने प्रोग्राम जो है राग रंग रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए हैं, और हमें लगता है कि उस वक्त के जो फॉर्मेट था वो बड़ा डिफरेंट था, मुझे याद है अच्छे तरीके से। वो एक घंटे का प्रोग्राम है और कोई बड़े सीनियर तरीन खान साहब लोग गा रहे होते थे और बड़ी लंबी महफिल होती थी, बड़ी अच्छी। अब ज़माना चूँकि बहुत तब्दील हो गया, तो हमने उसके फॉर्मेट थोड़ा सा इम्प्रूव किया है जी। इस जो आज के दौर में जिस तरह का सिलसिला है, तो दौरानिया क्या कम किया है? एक तो दौरानिया कम तो है, 40 मिनट का दौरानिया, ठीक है, लेकिन उसमें यह है कि जी ख्याल, जो कि बहुत प्योर क्लासिकल चीज़ है, उसके बाद कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होगा जी। उसमें कोई ठुमरी होगी, कोई गज़ल होगी, तो कुल मिला के एक बड़ा खूबसूरत सा एक पैकेज बनता है। और फिर हम जो आर्टिस्ट हमारे आते हैं उनसे फिर हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं। अच्छा, ये जो एक तासर है कि जी आजकल की नस्ल के पास तो वक्त है ही नहीं, और आजकल तो पॉप रॉक और मतलब यू नो क्रिकेट के टेस्ट मैच से अब T20 तक का जो क्रिकेट ने सफ़र तय किया, वो हमारी मौसीकी ने भी वो सफ़र तय किया कि अब तो दो मिनट, तीन मिनट के अंदर। इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि आजकल के नौजवान जो है वो राग रंग देखेंगे? नहीं, बिल्कुल, वो ये मुनासिब है, बड़ी ज़रूरी बात है, और हमें मालूम है और हमें तस्लीम भी करना चाहिए कि जी वक्त अब कम करना पड़ेगा, ड्यूरेशन जो राग की थी। आज से 50 साल पहले, बल्कि 60-70 साल पहले, खान साहब उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का ये उनका ये मौक़ था कि राग जो है ना वो 20-25 मिनट में पेश कर दिए जाएं। उस ज़माने में 1.5 घंटे का भी राग लोग गाते थे, कई कई घंटे पर गाते थे। तो उसमें उनका कहना ये था कि अगली आने वाली जो सदी होगी उसमें लोग अच्छा। लोगों के पास वक्त कम होगा जी, इतने फ्यूचरिस्टिक थे उस दौर के लोग। तो खान साहब बड़े गुलाम अली खान ने तो 3-3 मिनट के राग भी रिकॉर्ड करवाए, तीन मिनट के भी। और अब भी हमारे यहाँ भी जो जो काम थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल लेवल का काम हुआ है, जैसे कि ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने राग माला रिकॉर्ड करवाया था, घरानों की गायकी रिकॉर्ड करवाया था, तो उसमें भी राग 20 मिनट के होता था और जो बंदिश थी वो 3-3 मिनट की उन्होंने खूबसूरत तरीके से। और यही मैंने उसी मामले को, ये 50 साल पहले की बात है, 45 साल पहले की बात है, मैंने खुदा की मेहरबानी से उसी को टेकअप किया। और हमने जो अपने प्रोजेक्ट्स इससे पहले भी किए हैं, यानी इंडस राग के नाम से है, तो उसमें भी हर तरह का, एक तो नई नस्ल जो है उससे अपने आप को रिलेट कर सके, उसमें क्लासिकी भी है, नीम क्लासिकी भी है, गज़ल भी है, फोक बहुत बड़ा म्यूज़िक है हमारे इस इलाके का, सब कॉन्टिनेंट का। साउथ एशिया सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर मुश्तमिल नहीं है, तो जो बाकी जो मुल्क है वो भी, ये सारा एक ही ट्रेडिशन है। Exactly. तो हम इसको इसी हवाले से लेते हैं। शरीफ आवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और राग रंग का जो रिवाइवल हुआ है, और पाकिस्तान टेलीविजन PTV कराची आपके लिए इसकी नई नशिस्त जो है उसको सजा रहा है। इसका एक प्रोमो कंट्रोल रूम कह रहा है, जरा आपको दिखाते हैं। राग रंग का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है,
क्लासिकल म्यूजिक जो है ये बुनियादी म्यूजिक है। प्रोग्रामों को देखते हुए ज़हन अचानक माजी के झरूकों में चला जाता है। मेहनत इसने खूब की है, उनके लिए बड़ी रोमांस की बात है। हाय याद पिया लॉजिक कमिंग सून है राग रंग एक नए अंदाज में ये तो से। प्रोमो तो मैंने भी पहली दफा देखा है। आप देख लीजिए, हमने आपके लिए सरप्राइज रखा हुआ था शुरुआत से, अभी भी प्रोमो ताजा तैयार हुआ है जी। कमिंग सून का हमने कहा इसको भी लॉन्च करते हैं। कितने अच्छे मैं देख रहा था यंग बच्चियां वो सितार बजा, नौजवान लोग, ये ट्रेडिशन है ही इस कदर हसीन है। और ठीक है कि बहुत सारा यानी ये आर्ट म्यूजिक हमेशा खास लोग सुनते हैं, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स का काम है, और अवाम में भी इन एनी केस बहुत सारे लोग हैं जो कि इसको पसंद करते हैं, क्योंकि ये नॉन कमर्शियल है। तो लेकिन कमाल की बात जो है ये है कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी कभी नहीं हमने महसूस की किसी दौर में भी। ये पिछले हज़ारों साल की हिस्ट्री में आप ये देखिए कि ये आखिर रिवायत चली है ना, कभी इसको सपोर्ट मिली है हुकूमतों की, कभी नहीं भी मिली है। किसी भी तरीके से ये बिल्कुल ये क्रिएटिविटी अपना रास्ता खुद निकालती है। एग्जैक्टली exactly. अच्छा जी, आपको अभी दो तीन दिन पहले ही एक इंटरनेशनल म्यूजिक अवार्ड मिला है, म्यूजिक इन कोविड टाइम्स, यानी कोविड-19 का जो वक्त था, जब लॉकडाउन का वक्त था, उसमें जो म्यूजिक, उसकी कुछ कहानी सुनाई। पहली बात तो बहुत मुबारक, बहुत शुक्रिया टीवी की जानिब से भी, हमारे लिए फख्र की बात है। और आपको मुबारक हमारे म्यूजिशंस की है जिन्होंने ये काम किया, ठीक है, अच्छी बात है। ये ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड मिला है हमें तीन मुख्तलिफ कैटेगरीज में, ये अमेरिका में ही होते हैं इस तरह के अवार्ड्स। इंडिपेंडेंट म्यूजिक अवार्ड भी मुझे मिल चुका है पिछले किसी प्रोजेक्ट में। और ये जो एल्बम है इसकी हैसियत ज़रा है, मेरे दिल के बड़ा करीब थी ये बात कि जब ये कोविड के दिन गुजरे हैं, सच तो ये कि कोविड का जो ज़माना वो अभी गुजरा नहीं है, अभी कई साल उसके रिपरकशंस आएंगे, बिल्कुल, कुछ बीमारियाँ, कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज खड़े होंगे, उनको हमें उसको एड्रेस भी करना होगा बहुत सारी चीज़ों को। तो कोविड कोई छोटी वबा नहीं थी, सच्ची बात है। तो उस वक्त पूरी दुनिया में एक एक्टिविटी शुरू हुई है, जहाँ लोग महदूद हुए अपने घरों की हद तक, तो वहाँ क्रिएटिव जो माइंड्स थे उन्होंने भी क्यों रिएक्ट किया है, लिखने वालों ने लिखा है, पेंटिंग करने वालों ने पेंटिंग की है, ठीक है, सोचने वालों ने सोचा है, म्यूजिशंस भी पीछे रहने वाले नहीं है। तो उस वक्त ऑडियंस ख़त्म हो चुकी थी जी। तो मेरा ख्याल है एक इंट्रोस्पेक्शन की और गुंजाइश निकली होगी क्रिएटिव माइंड्स को, उसी का एक यानी रिज़ल्ट जो है वही हमने किया कि हमने मुख्तलिफ शहरों में जाके लिमिटेड इसमें सिचुएशन में उनको रिकॉर्ड किया, लाहौर में रिकॉर्ड किया, इस्लामाबाद में किया, कराची में किया, मुल्क से बाहर इंडिया में रिकॉर्ड हुआ है, दिल्ली में रिकॉर्ड हुआ है, लंदन में रिकॉर्ड हुए हैं। और रिकॉर्ड क्या किया, म्यूजिशियंस से मुराद इंस्ट्रूमेंट? जी जी, म्यूजिशियंस को ये बता कर, क्लासिकल गायक जो मेरा, और मैं आपको बता दूं कि ये म्यूजिक बाकायदा यानी तय किया जाता है कि फलां साहब फलां चीज गाएंगे। ओके, तो मतलब ये क्यूरेट है, किया जाता है ना बाकायदा। तो पहले सिलेक्शन होता है कि किसी कौन साहब है जिनको हम रिक्वेस्ट करेंगे, और फिर उनसे कौन सी चीज़ गवाई जाएगी जो कि यानी रिपीटेशन भी नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ में। तो एल्बम जब डिज़ाइन हुआ तो ये सारी चीज़ें हो गई अच्छे तरीके से बाकायदा, और फिर उसके बाद हमने उसको कंपाइल किया, वीडियोस बड़ी प्रोफेशनल क्वालिटीज की बनी है। और अच्छा, इसमें क्या हमारे नए आने वाले यानी यंग क्लासिकल म्यूजिशियंस भी हैं या सिर्फ असातिज़ा हैं? तो सिर्फ हमारे यहाँ जो मेरा जो स्टाइल रहा है, हमारे यहाँ तो हमेशा यंग लड़कों की जो है नौजवानों की तादाद ज़्यादा होती है। अच्छा। हाँ, हम लोग असातिज़ा को बुलाते हैं, और साथ ही में ये ट्रेडिशन है ही ऐसी, उसके बगैर चल ही नहीं सकती है। तो हमारे तो नौजवान, अब ये देखिए इज़्ज़त फ़तेह अली ख़ान 12-14 साल की उम्र के हैं, जो अभी प्रोमो में ऐसा बेहतरीन, इज़ ए मास्टर,
अच्छा 12-13 साल उम्र है जी हाँ, ये जो अभी अभी जिनको जी जी अभी हमने सुना बिल्कुल जी जी, तो बहुत हमारे यहाँ तो टैलेंट की तो कोई कमी ही नहीं है। तो ये तय है कि ये अगर इस काम को फ़रोग देना हो किसी भी ट्रेडिशन को, तो आपको अपनी नौजवान नस्ल को सामने रखना पड़ेगा, उनको ही इनक्रेज करना पड़ेगा। अच्छा शरीफ साहब, मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि जिस तरह आपने इतने सारे उस्तादा के साथ भी जो है आप काम करते रहे हैं, और अब आप यंग टैलेंट को जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपकी एक तरीका है आपका काम करने का कि आप यंग लॉट को ज़रूर साथ लेकर चलते हैं, आपको क्या लगता है कि यंग लॉट में इतनी प्रोफेशनलिज्म है कि जिस तरीके से आप लोगों के पुराने जो उस्तादा थे ये भी उस मुकाम तक पहुँच सकेंगे? देखें, ये हमेशा ये सवाल बड़ा अहम होता है। अब जो डॉक्टर यानी आज से 50 साल पहले जो लोग मौजूद थे, हमने उनको देखा, उनको सुना जी, और हम उनसे इंस्पायर हुए जी। ठीक है, अब मैं चूंकि प्रोफेशनल म्यूजिशियन तो नहीं हूँ, जो अगर प्रोफेशनल म्यूजिशियन कोई होगा तो वो उनको किसी और हवाले से देखेगा, उनको फॉलो करने की कोशिश करेगा। इन सारे असातज़ा के शागिर्द मौजूद हैं, इन ये घरानों के बच्चे मौजूद हैं, उन्होंने अपने काम को बहुत खूब तरीके से संभाला हुआ है। और मेरे पास ये जो इसका एविडेंस है वो 50-60-100 साल का नहीं है, हजारों साल का है। तो आखिर कोई वजह ही है कि ये चीज़ें चलती आ रही हैं। जो सोचने की बात और लिहाज रखने की बात है कि ये जो क्लासिकल ट्रेडिशन होती है हमारी स्पेशली, वो कोई मुंजमद चीज़ नहीं है, वो बिल्कुल स्टैटिक चीज़ नहीं है, बल्कि वो बहुत ही लिविंग ट्रेडिशन है। उसमें रोज़ाना चेंज होता है, उस म्यूज़िक में रोज़ाना इम्प्रोवाइजेशन होता है, और हर शख्स आने वाला जो है वो उसमें अपना कोई एक ख़ास डिक्शन इनकलकेट करता है, वो आखिर में लोग उसको फॉलो करते हैं। तो ये एक बहुत ही लिविंग ट्रेडिशन है जिसकी बुनियाद पर हम जैसे जबान बदलती है, जैसे जबान बदलती है जिसमें यानी ये तो नहीं है कि आज से 150 साल जो उर्दू नसर लिखी जा रही थी उसको आप कॉपी कर रहे होंगे, ऐसा तो नहीं। आज का लिखने वाला तो अगर कामयाबी किसकी होगी, उस राइटर की होगी जो अपनी ज़बान खुद क्रिएट कर सका है इन द पैरामीटर्स ऑफ द लैंग्वेज। इसी तरह म्यूजिक के पैरामीटर्स हैं, वो अपनी जगह पर कायम रहेंगे, जो उसूल और ज़वाबित हैं, उसूल और ज़वाबित वो उनके रहना है, वरना तो उस्ताद से फिर वो डांट भी पड़ेगी ना जी। ख्याल हाँ जी जी बिल्कुल, असातिज़ा तो इस बात का बड़ा ख्याल रखते हैं, वो बहुत ही इसको सेफ गार्ड रखते हैं, और यही उनका काम है। क्योंकि फिर अगर आहिस्ता आहिस्ता इनके रूल्स भी अगर चेंज करते रहेंगे तो इसकी जो क्लासिकल म्यूजिक और इनकी जो अपनी ब्यूटी है वो खत्म होती जाएगी ना? जी, बुनियादी रूल्स वही रहते हैं जी, लेकिन यानी इन एनी केस क्रिएटिव काम है ना, तो हद तो ये है कि एक सर्जन भी दूसरे सर्जन को फॉलो नहीं करता, वो सर्जरी करते हुए भी अपनी कोई उपज निकालेगा। अच्छा, साइंस में भी ऐसा होना चाहिए, अगर नहीं होता तो फिर फर्क क्या हुआ? कंप्यूटर का इस्तेमाल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया जी, मतलब जैसा भी अपनी आवाज को थोड़ा सा ट्यूनिंग श्यूनिंग करके इफेक्ट्स लगा के और एक एक जुमला एक एक लफ्ज अलग से बोल के भी जोड़ जाड़ के, क्लासिकी मौसीकी जब आजकल आप क्यूरेट कर रहे हैं, उसका रिवाइवल कर रहे हैं, क्या उसके अंदर भी कंप्यूटर और मशीन्स का उतना ही इस्तेमाल है? देखिए, मैं इसके टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के खिलाफ नहीं हूँ। अच्छा। और ये कोई आज से तो हमने नहीं शुरू किया, मेरा खुद मुझे भी 25 साल से ज़्यादा इस खिदमत को हो गए हैं। जो कंप्यूटर की एडिटिंग है वो बहुत ही आसान है और बड़ा अच्छा अमल है, उसमें वो हो सकता है जी। ये जो इफ़ेक्ट्स डालना है और आवाज़ को की करेक्शन करना है सुर की, वो हम यकीनन डिस्करेज करते हैं अपने आर्टिस्ट को, और ये हम कर भी नहीं सकते क्योंकि क्लासिकी जो ट्रेडिशन है वो है ही सुर और लय के ऊपर मबनी है। तो उसमें जो एडिटिंग होती है वो सिर्फ इस तरह होती है, एडिटिंग हमने जो की है वो आप ज़रा सोचिएगा, जहन में रखिएगा कि हर बड़ा काम जो क्रिएटिव काम है, चाहे वो राइटिंग है, चाहे हद यह है कि पेंटिंग है, उसमें भी नोक पलक संवारी जाती है। एडिटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ हमारे सीनियर ऐसे ज़रूर हैं कि जो इसको मना करते हैं मौसीकी में एडिटिंग में, लेकिन मैंने इस बात से इनराफ किया है, हमने एडिटिंग की है इसलिए कि जो हमारा गाना है क्लासिकी गाना, वो एक बाकायदा एक गुफ्तगू की तरह है। कभी कभी आप ये कहिए, आप माशाल्लाह खुद बहुत अच्छी बात करने वाले लोग हैं, कलाम में इस बात की गुंजाइश होती है कि आपको कलाम में रिपीट करना होता है,
तीन दफ़ा भी आप ये बात कह सकते हैं। हाँ, जब एक बात को आप छः दफ़ा कहेंगे तो एडिटर का हक है कि वो उसको काम कर देगा, ठीक है ना। तो कभी कभी रिपीटेशन बहुत अच्छी चीज़ होती है, कभी कभी उसको इख्तिसार देना होता है। तो वो चीज़ जो कि जो बड़े राइटर्स गुजरे, मतलब मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब से बड़ा उर्दू में लिखने वाला कोई इस वक्त इफी ज़माना नहीं, वो बहुत एडिटिंग करते थे अपनी इसकी तहरीरों की तहरीर। तो मतलब है कि म्यूज़िक में भी ये चीज़ें सोच समझ के होनी चाहिए, और लोगों ने की हैं। खुद बड़े लोग जो थे, हमने मेरे पास बहुत सारे असातिज़ा का के बारे में है कि वो बड़ी मेहनत करके अपनी चीज़ें तैयार करते थे कि जी आज अगर मैंने आज राग जाके फलां जगह गाना है तो तय करके जाते थे कि आज 20 मिनट से आगे नहीं होना चाहिए। तो और उसकी बुनत कैसी होगी, उसकी बुनत ये आप गुफ्तगू के लिए भी जाते हैं तो मैं पहली दफ़ा आया हूँ कि सोच बगैर सोचे, क्योंकि मेरी आपसे बात नहीं हुई तो मैं आज पहली दफ़ा आया हूँ कि बगैर सोचे हम बात कर रहे हैं। लेकिन अदरवाइज ये होता है कि आप जब भी जाते हैं तो देखते हैं कि मुझे आज क्या बात करनी चाहिए और किस बात पर कितना जोर देना है और किस बात को अवॉइड कर देना है, चाहे वो इम्पोर्टेंट ही हो। शेफ इवान साहब, आपके साथ हमेशा जब भी मेरी मुलाकात होती है, चाहे आपकी मेहरबानी मुझे में हो चाहे दोबारा बुलाते हैं आप, तो बड़ा लुत्फ आता है और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह सुबह उठने का बहुत शुक्रिया। वैसे यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, मुझे पता है आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं। उठ गया था, कोई बात नहीं, आपकी मेहरबानी आपने हमें याद किया और मुझे खुशी हुई इस बात की। और जो शरीफ अवान साहब का पीटीवी कराची से नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है राग रंग, उसका आज कमिंग सून का प्रोमो हमने आपको दिखाया, लेकिन आने वाले दिनों में उसका एग्जैक्ट डेट टाइम और किस दिन कितने बजे, ये हम साथ साथ राइजिंग पाकिस्तान में। इसके लिए तो मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि क्या रिजल्ट आया होगा, लेकिन बहुत अच्छे हमारे फनकार थे उस वक्त। नहीं, प्रोमो तो बड़ा अच्छा लग रहा है। जी जी, इंशाल्लाह ये एक लंबा सिलसिला है, आप करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, लेकिन सारा ये जो क्रेडिट है वो आपके हुक्म में बाला को जाता है, जो मिनिस्ट्रीज में बैठे हैं और जो काम जिनकी तरफ से ये एक्सेप्ट हुई ये बात। शेख इवान साहब, देखिए ना, ये रेडियो पाकिस्तान है या लोक विरसा है, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स है, कराची आर्ट्स काउंसिल, पीटीवी, ये वो इदारे हैं कि जिनका फर्ज है कि वो हमारी इस रिवायत को, इस फनून लतीफ़ा की रिवायत को कायम रखें, कुजा के उससे बालातर होके कि इसमें रेटिंग आएगी या इसके कितने व्यूअर्स हैं, इसको कोई बहुत बड़ा कमर्शियल स्पॉन्सर मिल रहा है नहीं मिल रहा, ये कॉन्ट्रीब्यूशन है पीटीवी की इस मुल्क के लिए कि हम इस रिवायत को बरकरार रखें। दुनिया भर में अब ये रिवाइवल का दौर है और कैपिटलाइज करने का दौर है, जो चीज़ें हमें हमारे पास मौजूद है, जो हमारा कोलेटरल है दुनिया के पूरे यानी पूरे तहजीब में, पूरे कल्चर में जो हमारा हिस्सा है, वो हमें शोकेस करना चाहिए, वो हमारा हक भी है और फर्ज भी बनता है। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने राइजिंग पाकिस्तान में हमारा साथ दिया। मिलेंगे फिर, खुदा हाफिज़।